एवरीवन, आज हमारा जो टॉपिक है वो फंक्शंस के टाइप हैं ग्राफिकल, मींस कि बाय ग्राफ फंक्शन को कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। इस चीज़ हमने खैर 11th पढ़ रखी है, ये सारी चीज़ें हमने 11th पढ़ रखी हैं। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था पॉलीनोमियल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, अपना लॉग फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सब फंक्शन हमने क्या किए थे 11th पढ़ चुके थे। फिर भी आज क्या करेंगे, आज उसको हम रिपीट करेंगे। और प्लस रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ नई चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे मैनी वन, ऑन टू या ऑड इवन फंक्शन। तो ये चेक करेंगे कि इन सब चीज़ों में जो पॉलीनोमियल और बाकी चीज़ें होंगी, इन सब में वो चीज़ फाइंड कैसे कर पाएंगे कि ऑड कब होगा, इवन कब होगा, मैनी वन कब होगा या वन वन कब होगा, जो हमारे काम आएगी सब चीज़ें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पॉलीनोमियल फंक्शन के बारे में। क्या बात करते हैं? पॉलीनोमियल फंक्शंस के बारे में। देखो पॉलीनोमियल फंक्शन तुमने पता है क्या होता है। ठीक है, पॉलीनोमियल मींस पॉलीनोमियल जिसके पावर्स होंगे वेरिएबल में, ये पता है अपने को। ठीक है, तो हम एक स्टेटमेंट यहाँ लिखते हैं कि ऑल पॉलीनोमियल्स आर कंटिन्यूस। अब ये क्या चीज़ हुआ, मैं बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, ऑल पॉलीनोमियल्स आर कंटिन्यूस। अब ये क्या बात हुई, देखो पॉलीनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, कंटिन्यूस पता है सबको, कंटिन्यूटी में कोई चीज़ हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ बोला कि ऑल फंक्शंस आर कंटिन्यूस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा हूँ मैं, देखो सिंपल सा चीज़ है कि पॉलीनोमियल्स अपने पता है क्या होते हैं, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है और क्यूबिक होता है मेनली, और भी होते हैं पर मैं मेनली तीन की बात करता हूँ। ठीक है, लीनियर में क्या होता है अपने पता है, स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, पैराबोलिक। स्ट्रेट लाइन ये बाय ग्राफ बता रहा हूँ कि लीनियर ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। क्वाड्रेटिक का कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। एंड क्यूबिक कैसा था, कुछ एन शेप में होता है। अब ये एन शेप क्या है, अभी देखते हैं, कुछ एन शेप में से ग्राफ होता है। ठीक है, क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पता है अपने को क्या, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन का। पैराबोलिक पता है कि ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो एन शेप की बात क्या कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा बन गया होगा। ठीक है, यही एन शेप हुआ। और कल को क्या पावर 4 पावर 5 पढ़ता जाएगा, तो ये जो भी कर्व होंगे बेंड, मतलब मीन बेंड क्या कहना चाह रहा हूँ, तो लीनियर में क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन में क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन हुई, सिंपल सा कर्व। फिर क्वाड्रेटिक का पैराबोलिक मींस कि क्या हुआ, इसको बेंड करना पड़ा कहीं ना कहीं, जब पैराबोलिक हुआ ऐसे समझ अगर पाओ तो समझो ऐसे कि पैराबोलिक ये हुआ, इट मींस को बेंड किया तो कुछ ऐसा शेप आ गया। फिर जब क्यूबिक हुआ तो एक बार क्या किया, इसको एक बार और बेंड किया कैसे, इधर से, तो कुछ ऐसा बन गया। अब जब पावर 4 आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे, फिर कुछ ऐसे बेंड करेंगे, तो हो सकता है पावर 4 के लिए कुछ ऐसा डब्ल्यू टाइप शेप का बन जाए ऐसा कुछ। तो ये डिपेंड करेगा, और बड़ा बनाता हूँ, तो ये डिपेंड करेगा कि हम कैसे यहाँ पे पावर बढ़ाते चले जा रहे हैं, वैसे शेप इसका बदलता चला जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करें कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्या कहना चाह रहा हूँ कि कंटिन्यूस फंक्शन जो नॉर्मली क्या हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हमने इंट्रोड शायद नहीं अभी शायद नहीं है, 12th में पढ़ेंगे अभी इसको, कि क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ बनाने हम क्या करते हैं, प्लॉट करने में, कि हम बिना विदाउट लिफ्टिंग द मार्कर या विदाउट लिफ्टिंग द पेन हम उसका ग्राफ बना सकते हैं इजीली। मीन्स जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन बना तो कुछ ऐसे बना दिया सीधा एक बार में, मतलब बिना पेन उठाए, पैराबोलिक ग्राफ बनाया कुछ ऐसे बना दिया एक बार में बिना ग्राफ उठाए, तो वो बिना पेन उठाए, क्यूबिक में बना लिया। ठीक, पावर 4 में बना दिया, तो ये दिख रहा है मुझे क्या कि मैं विदाउट लिफ्टिंग द मार्कर मैं सारा ग्राफ इजिली प्लॉट कर दे रहा हूँ, तो वो क्या, वो फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। ठीक है, वही कह रहा है यहाँ पे, ऑल पॉलीनोमियल्स आर कंटिन्यूस। ठीक है, देखो पॉलीनोमियल कुछ एग्जांपल हमने ले लिए थे, कुछ ग्राफ टाइप्स ले लिए थे, ग्राफ मैंने यहाँ पे बताया पे। अब मेनली बात करते हैं इसके डोमेन, कोडोमेन और रेंज, इन सब चीज़ों की, कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझा के हमने क्या बात की। ठीक है, अब बाद में क्या आएगा कि जैसे पावर बढ़ती जाएगी तो इसमें बेंड होता रहेगा चीज़ों बार बार ग्राफ में इसके। ठीक है, बेंड मीन्स मैंने बोला ना, स्ट्रेट लाइन था सीधा था, पैराबोलिक आया बेंड हो गया एक बार, क्यूबिक आया दो बार बेंड हो गया, एंड फिर पावर 4 आएगा तो वैसे डब्ल्यू शेप में आ गया। तो ये सब चीज़ें अपने को धीरे धीरे मिलती रहेंगी। ठीक है, अब एक छोटा सा मैं चीज़ बताना चाहूँगा कि पॉलीनोमियल फंक्शन में क्या होता है, एक छोटा सा नोट आप कहीं लिख लो कि रेंज ऑफ ऑड डिग्री पॉलीनोमियल्स इज ऑलवेज
माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, क्या कह रहा हूं मैं, रेंज ऑफ ऑड पॉलिनोमियल इज ऑलवेज, कहां से हो जाएगा, क्या बोला, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब ये मैंने क्या बोल दिया, देखो क्या होगा कि रेंज ऑड पॉलिनोमियल सब समझ में आ रहा है, ऑड मींस पावर मैं थ्री की बात कर रहा हूँ, मैं वन की बात कर रहा हूँ, मैं पावर फाइव की बात कर रहा हूँ, ये सब क्या वो ऑड हो गया, ठीक है। तो वही बता रहा हूँ कि इन सब का जो रेंज होगा तो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी होगा, ठीक है। एक नोट टाइप पर लिख लेना इसको। अभी कैसे होगा, देखो स्ट्रेट लाइन का मैंने ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसा बनता चला गया, कहाँ से ये नीचे नीचे चला जाएगा ना, नीचे एकदम, तो माइनस इन्फिनिटी वैल्यू रहेगी ना इसकी, अप टू कहाँ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा इसकी वैल्यू। तो रेंज क्या हो गया, पूरा रेंज ही तो हो गया ये। अब अगर मैं बात करता हूँ किसी पैराबोलिक की, तो पैराबोलिक क्या बन गया, ऐसा बन गया। अब पैराबोलिक क्या हो गया, देखो मैंने क्या बोला, पैराबोलिक क्या होता है, पैराबोला मतलब वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कल को जब पैराबोला बना होगा या तो कुछ ऐसे बना होगा, एक्स और वाई पैसा, देखो और क्लियर बना देता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि पैराबोला अगर मेरा बना हो कल को कुछ ऐसा बना होगा, या तो कुछ ऐसा बना होगा, मतलब जो भी बना होगा वो हमेशा क्या बना होगा, एक्स वाई एक्स एक्सिस के ऊपर ही बना होगा, नीचे कभी नहीं आया होगा, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, हमेशा क्या बना होगा, एक्स के ऊपर ही बना होगा, नीचे कभी नहीं आया होगा, ठीक। तो वही क्या होगा कि यहाँ पे तो क्या होगा कि वाई की जो वैल्यू होगी वो जीरो से ही स्टार्ट होगी, जो लीस्ट वैल्यू होगी वाई की वो जीरो ही होगी, बट यहाँ लीस्ट वैल्यू वाई क्या हो रही है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, पर स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहा है, जो लीस्ट वैल्यू वाई की हो रही है माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है, नीचे तक जा रही कहीं, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है, प्लस का इन्फिनिटी हो रहा है, कब, स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इक्वल टू एक्स की बात कर रहा हूँ, पावर कितनी, वन, इट मीन्स ऑड पावर है, जब पॉलीनोमियल की पावर जब ऑड होगी तो उसका रेंज क्या होगा, हमेशा क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी, बट जब इवन हो जाएगा पॉलीनोमियल तो उसका चेंज हो सकता है अपने हिसाब से, फंक्शन पे डिपेंड करेगा कैसे होता है। ये मैंने इसलिए बना दिया, ये इवन का है, ये ऑड का है, ठीक है। अगर ऑड का एक और मैं बनाना चाहूँ, ऑड का, तो जैसे मैंने बात किया अभी ऑड का, एक्स क्यूब पता आपने क्या होता है, कुछ ऐसा एन टाइप का होता है। तो देखो ये क्या, नीचे तक जा रहा मतलब इट मीन्स माइनस इन्फिनिटी, ऊपर तक जा रहा मतलब प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स क्यूब भी क्या होता है, ये वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, एक्स क्यूब भी क्या होता है, ऑड ही दिख रहा ना, पावर थ्री ऑड हुआ, ऑड पॉलिनोमियल हुआ, तो इसका भी रेंज क्या दिख रहा है मुझे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी। तो यही नोट अपने समझना था कि जो रेंज होगा ऑड पॉलिनोमियल का ऑलवेज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी, डन, ठीक है। आगे देखें कुछ, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अगला अपने पास क्या है, अगला बात कर लेते हैं, कौन सा फंक्शन हमने बात किया था, अगला मॉड फंक्शन की, ठीक है। देखो मॉडुलस फंक्शन या मॉड फंक्शन क्या होता है, देख लेते हो, मॉडुलस फंक्शन या मॉड फंक्शन, ठीक है। तो पहली बात तो मैं इसको लिखना देख लेता हूँ, फंक्शन है पापा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फंक्शन ऐसा कुछ दे रखा है कि f r टू r में फंक्शन हो रहा है, मतलब क्या r से r में कोई फंक्शन हो रहा है, मतलब आपस में फंक्शन हो रहा है, और अपने एफ एक्स क्या दे रखा है, इक्वल टू मॉड दे रखा है, ये अपने पास फंक्शन हो गया। अब इसका पहली बात तो ग्राफ अपने पता होता है, हमने 11th पढ़ रखा है, ग्राफ कुछ ऐसा होता है, इसका कैसा ए कुछ ऐसा वी टाइप शेप का, ठीक है। ये अपना क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, वाई है, सॉरी ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है, किसका बात कर रहा हूँ, एक्स मॉड एक्स का, ठीक है। ये तो 11th पढ़ रखा था हमने कि मॉड एक्स का कुछ ऐसा वी टाइप का होता है। अब हमको यहाँ पे सीखना क्या, करना क्या, हमें बाकी चीज़ें देखनी है। अब इसका पूरा एक डिटेल समझ लेते हैं, बाकी चीज़ें मतलब डोमेन कोडोमेन और कैसे क्या सब चीज़ें देखते हैं यहाँ से, ठीक है। और भी मतलब चीज़ें, देखो क्या होगा, पहले तो हम डोमेन निकालना चाहेंगे, जो डोमेन होगा, अब जो डोमेन क्या हो सकता है, इसका डोमेन क्या हो सकता है, कल को अगर मैं लिख दूँ डोमेन, तो मुझे डोमेन क्या दिख रहा है, मैं एक्स में कुछ भी रख सकता हूँ,
माइनस प्लस कुछ भी जीरो रो कुछ भी रख सकता हूँ, मुझे वैल्यू मिलेगी। तो इट मीन्स डोमेन क्या होगा इसका, आर आर मीन्स रियल नंबर। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कोडोमेन की, सी डी लिख देता हूँ कोडोमेन को, सी डी कोडोमेन मतलब। कोडोमेन क्या होता है, सेकंड सेट पूरा, मतलब कोडोमेन में क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं किसका, रेंज के बारे में। देखो तो रेंज क्या हो सकता है इसका, ये समझना मेन अपने को। रेंज क्या हो सकता है कि देखो, अब यहाँ से ध्यान से देखो, अब वाई की वैल्यू क्या होगी, लीस्ट वैल्यू वाई कितनी आ रही, जीरो आ रही है, जीरो से कम तो वाई की वैल्यू नहीं आ रही है ना। तो मतलब क्या हो, जब रेंज की बात करेंगे, जब रेंज हो रहा होगा यहाँ पे बात, हम रेंज की बात कर रहे होंगे, तो क्या हुआ, जीरो तो काउंट होगा ही, और कहाँ तक जा रहा है ये, ऊपर तक, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है। वो अपने दिख रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे अगर तुम लोग कहोगे सर इसको आर प्लस लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि जीरो काउंट हो रहा है। जीरो क्या है ना, ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, इसलिए उसको मैं काउंट नहीं हो पा रहा है वो। ठीक, डन, आगे देखें, रेंज हो गया, डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया। अब क्या बचा, हाँ अब हम लोग देखते हैं मैनी वन और वन वन फंक्शन क्या है, मैनी वन है कि वन वन है। ठीक है, अब मैनी वन के लिए मैंने क्या बोला था, हॉरिजॉन्टल टेस्ट करने को। तो अगर मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ हॉरिजॉन्टल वाला, तो क्या देख रहा हूँ कि क्या दो जगह कर रहा है ना हर लाइन, इट मीन्स क्या हुआ, ये मैनी वन फंक्शन हो गया। फंक्शन कैसा हुआ ये, ये मैनी वन फंक्शन हो गया, बराबर मैनी वन फंक्शन हो गया। ठीक है, और क्या बोला मैंने, अब इंटोर ऑन्टो चेक करते हैं। अब इंटोर ऑन्टो क्या होता है, इंटोर ऑन्टो क्या होता है, देखो क्या होगा, कल को अगर कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाता है तो वो ऑन्टो फंक्शन होता है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है, रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गए तो क्या इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं इक्वल है, क्योंकि यहाँ निगेटिव हो रहा है तो काउंट ही नहीं हो रहा है, पर यहाँ तो सब कुछ काउंट हो रहा है। इट मीन्स क्या हुआ, ये ऑन्टो ना होके क्या हुआ, ये इंटू फंक्शन हो गया। देखो मैं वही सब चीजें बता रहा हूँ जो हम लास्ट क्लासेस में पढ़ के आए। इस वीडियो को देखने से पहले लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो देखोगे तो उसमें सब कुछ पता चल जाएगा मैं क्या क्या बातें यहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, अब इंटू हो गया, अब इवन और ऑड देखते हैं। अब इवन ऑड कैसे देखते हैं, जो इवन फंक्शन होता है वो कहता है कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होना चाहिए, फंक्शन का ग्राफ जो भी बनता है, फंक्शन का ग्राफ करना चाहिए वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होना चाहिए, तो इवन होता है। पर यहाँ तो मुझे दिख रहा है क्या, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है ये वाला ग्राफ, इट मीन्स ये क्या, वो फंक्शन कैसा हो गया, इवन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो एक चीज ने डोमेन निकाल ली, कोडोमेन निकाल लिया, रेंज निकाल लिया, बता दिया कि मैनी वन फंक्शन है, ये बता दिया कि इंटू फंक्शन है, ये बता दिया कि है इवन फंक्शन है। अब और क्या चीज बच सकती है इसमें, और क्या बताने को, और कुछ है इसमें, हाँ अब कंटिन्यूअस देख लेते हैं। अब बात हो रही है कंटिन्यूअस की, तो क्या कंटिन्यूअस है ये, क्या ये कंटिन्यूअस है, मुझे तो दिख रहा है ये कंटिन्यूअस है, मुझे क्या दिख रहा है, ये फंक्शन किसा है, कंटिन्यूअस तो है ही है। ठीक है, कंटिन्यूअस तो है ही है। ठीक है, तो कुछ इतना चीज हमको यहाँ पे मिल गया डिटेल। ठीक है, तो जितना भी हम अभी अब ग्राफ पढ़ेंगे आगे से, उन सब में ये सब बारे में बात करेंगे, हर चीज के बारे में। ठीक ठीक है, अगर कोई पूछे कंटिन्यूस कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये चीज बता सकते हो क्या, हर एक्स जहां बिलोंग्स करेगा आर के लिए, वो सब जगह क्या हुआ, ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, अगला देखें, आगे देखें, नेक्स्ट वाला, ये अलग तो मेरे साथ समझ आ गया होगा। अगला हम देखते हैं सिग्न ऑफ फंक्शन, सिग्न ऑफ फंक्शन क्या होता है, इसको हटा देते हैं। मैंने क्या बोला, सिग्न ऑफ फंक्शन, वो ये सब चीजें हम लोग सीख चुके हैं कहां पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ इलेवेंथ में, बट अभी हम क्या देख रहे हैं उसमें और चीजें उन फंक्शंस में, ऑन्टो इवन इंटू वन वन मैनी वन या कंटिन्यूअस, ये सब चीज़ हम सीख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम देखते हैं सिग्न फंक्शन। तो मैंने जैसे बता रखा था फंक्शनिंग मशीन होता है, सिग्न फंक्शन भी कुछ ऐसे ही है। क्या कह रहा है, सिग्न फंक्शन में क्या है, एक मशीन की तरह है। ठीक है, तो क्या होगा, सिग्न फंक्शन एक्स, इसको ऐसे लिख देते हैं लोग, एस आई जी एन या एस जी एन भी कुछ कहीं के लिख देते हैं। ठीक है, ये एक्स दे रखा है, तो मैंने यहाँ से कुछ नंबर्स पुट कर सकता हूँ मैं अंदर, इनपुट क्या, या तो पॉजिटिव कर सकता हूँ या जीरो या निगेटिव। ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, कल को जब हम पॉजिटिव नंबर से इनपुट करेंगे तो रिजल्ट अपने क्या मिलेगा, यहाँ पे वन मिलेगा, और जब निगेटिव जीरो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, रिजल्ट जीरो मिलेगा, और जब निगेटिव नंबर पुट करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, माइनस का
वन मिलेगा। ये सीन ऑफ फंक्शन की खासियत होती है, ये हमने ये भी लास्ट ईयर देख चुके हैं 11th क्लास में, ठीक है। ये कुछ खास खासियत होती है किसकी, सिग्नम फंक्शन की। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब ग्राफ भी देखते हैं। ग्राफ खैर अपने को सब पता था, फिर भी देख सकते हैं, लेकिन क्या होता है एक चीज और देख लेते हैं। एलजेब्रिक क्या होता है, एलजेब्रिक फंक्शन को डिनोट करते हैं इसमें, कैसे करते हैं लोग कि वैल्यू क्या लिखते हैं यहाँ पे, वन जब क्या है एक्स ग्रेटर देन जीरो है, जब एक्स इक्वल टू जीरो है तो जीरो, और जब एक्स लेस देन वन है तो माइनस वन, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी हम सिग्नम ऑफ एक्स, तो ऐसा भी एलजेब्रिक में हम डिनोट कर सकते हैं इसको, ठीक। वो तो मैंने ऐसे इनपुट आउटपुट करके बना दिया, बट एलजेब्रिक हम ऐसे इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। हमारा सिग्नम फंक्शन का आगे सिंबल। अब हम बात करते हैं सिग्नम फंक्शन के ग्राफ के। ग्राफ बहुत ईजी है इसका, सबको पता है, इसे ग्राफ में ज़्यादा कुछ कितना खासियत बात नहीं है, फिर भी देख लेते हैं ग्राफ क्या कहता है इसका, ठीक है। तो ग्राफ को देखने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे इसका डोमेन रेंज सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हमने बनाया हुआ है। देखो तो ये क्या कहता है, तो यहाँ पे जब बात हो रही थी जीरो, जब जीरो होगा एक्स तो वाई भी जीरो होगा, आपने दिख रहा क्या, एक्स जीरो होगा तो वाई भी जीरो होगा, ठीक है। एक्स जीरो हो गया तो वाई तो वैल्यू जीरो होगी, तो वाई की वैल्यू क्या, देखो मैंने नॉट लगा रखा, नॉट मीन्स कि माइनस वन और प्लस वन फिर काउंट नहीं होगा, ठीक है। क्या आएगा, एक्स जीरो रखने पर सिर्फ सिर्फ क्या आएगा, वाई जीरो आ रहा है, ठीक है। एक्स अगर हमने हल्का सा जीरो सीधा उधर कर दिया तब कुछ वैल्यू आ रही है वाई की अलग से, एक्स जीरो पे तो वाई जीरो आ ही रहा है, इसलिए यहाँ पर नॉट लगा रखा है, क्या वन और माइनस वन नहीं आएगा। वन कब आया होगा, जब हमने क्या किया x की पॉजिटिव वैल्यूज रखी तो हमारा वन मिलता चला गया लाइन से, और जब x की नेगेटिव वैल्यू रखी तो क्या मिला, लास्ट नेगेटिव मिलता चला गया अपनों को, ठीक है। देखो अब क्या होगा, एक चीज़ समझना है यहीं पे कि x की मैंने कुछ भी वैल्यू रखी जीरो छोड़ के, क्योंकि x जीरो रखा तो जीरो मिल गया आंसर, आप इसलिए ये वाला सर्कल ये वाला जो है डॉट मैंने मार्क किया हुआ, ये काउंट हो रहा है, बट ये सर्कल ओपन है ये इसको नॉट बोलते हैं, ये काउंट नहीं हो रहा है क्योंकि x पे ऑलरेडी क्या मिल गया, वाई जीरो मिल गया है, इसीलिए यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। बट जैसे ही एक्स क्या कि हमने पॉजिटिव की तरफ बढ़ा तो हमको कुछ वैल्यूज मिलती चली गई, कुछ क्या वन मिलता चला गया, और फिर क्या हुआ जब माइनस वन रखा तो क्या हुआ इधर मिलता, सॉरी नेगेटिव रखा तो माइनस वन मिलता चला गया बार बार, ठीक है। यही चीज अपने देखना सिग्नम फंक्शन में, यही खासियत है अपने को देखना सिग्नम फंक्शन का, ठीक। अब इसके डोमेन कोडोमेन के बारे में बात करता हूँ, अगर मैं कहीं जगह बना के लिख देता हूँ, अगर देखो जो डोमेन होता होगा इसका, मुझे दिख रहा है क्या इसका डोमेन क्या होगा, रियल नंबर दिख रहा है मुझे भाई, वैल्यूज तो कुछ बढ़ा सकते ना, तो डोमेन क्या हो गया इसका, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगर मैं कोडोमेन की बात करता हूँ, कोडोमेन क्या है, फंक्शन r टू r तो रियल नंबर ही होगा, कोडोमेन तो रियल होगा क्योंकि फंक्शन कैसा हो रहा है, ये फंक्शन एकदम r टू r हो रहा है, ठीक है। अब रेंज की बारे में बात करता हूँ, रेंज देखो कितना अच्छा रेंज है, रेंज अपने पहले ही रखा था क्या, जीरो रखा तो जीरो मिला, माइनस वन रखा माइनस वैल्यू रखा तो माइनस वन मिला और वन मिला, तो रेंज कल को इसका जो बन जाएगा क्या बनेगा, माइनस वन जीरो और वन। इसको हम ऐसे ही शो करेंगे डोमेन को, इसको हम इंटरवल में नहीं लिखेंगे, ठीक है। इंटरवल लिखेंगे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए हमने क्या करेंगे, हम इंटरवल में ना लिख के हम इसको ऐसे ही लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, ठीक, सेट के फॉर्म में। अब रेंज हो गया, कोडोमेन हो गया, डोमेन हो गया, अब हम बात करते हैं किसके बारे में कि फंक्शन कैसा है, ऑनटो है कि इंटो है कि क्या है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अपने क्या पता है इंटो फंक्शन कब होता है, जब कोडोमेन और रेंज अलग अलग होता है इंटो, तो अपने दिख रहा है यहाँ पे कोडोमेन तो कुछ और है, रेंज तो कुछ और है, तो फंक्शन कैसा हो गया, ये इंटो हो गया, तो एक दो तीन चार चीज निकल गई। अब चेक करते हैं मैनी वन है कि वन वन है, अब मैनी वन 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 कैसे करेंगे, ये देखो जरा मैनी वन और वन वन, देखो अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करना चाहूँ, क्या एच एल टी जो हमने बात किया था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, तो यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा तो फिर यहाँ पे कई ढेर सारे पॉइंट मिलेंगे अपने को, कई सारे पॉइंट मिलेंगे, बात समझना, टू रखने पे वन मिल रहा है, फोर रखने पे वन मिल रहा है, कल को थ्री रखने पे वन मिलेगा, फाइव रखने पे वन मिलेगा, तो आंसर क्या मिल रहा है, मैनी वन टाइप का मिल रहा है। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, मैनी वन हो गया, ठीक है। डोमेन कोडोमेन रेंज इंटू मैनी वन, अब और क्या चीजें हैं इसमें, और क्या था अपने पास, ऑड इवन,
ऑड इवन फंक्शन। अब ऑड इवन फंक्शन कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ऑड इवन कैसे निकलेगा, क्या सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस तो दिख नहीं रहा है अपने को, और क्या सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, हाँ है ओरिजिन सिमेट्रिक, देखो जैसा यहाँ पे वैसा यहाँ पे। अगर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से कुछ डिस्टेंस चला यहाँ पे तो कुछ मिलेगा, कोई पॉइंट मिलेगा अपने को, और सेम उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर चलूंगा तो कुछ पॉइंट मिलेगा अपने को, ठीक है। सिमेट्रिक बोल रहा हूँ, वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ कि जितना ऊपर मिल रहा है उतना नीचे ही मिल जाए, ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ऑड फंक्शन हो जाएगा। मैं कहाँ लिख दूँ, ये कैसा फंक्शन हो गया, ये ऑड फंक्शन भी हो गया, ठीक है। इतनी चीजें निकल गई, अब क्या कंटिन्यूस दिख रहा है अपने को, अगर मैं बोलूँ ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूस है, तो मुझे तो नहीं दिख रहा है कंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूस नहीं है, बात करूं तो क्या ये कॉन्टिन्यूस है, बिल्कुल नहीं है, और कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डेरिवेटिव, चलो डेरिवेटिव के बारे में बात बात करेंगे वो हम जब पढ़ेंगे तब, तो इतना ये भी समझो। तो मैंने क्या निकाल दिया, यहाँ से डोमेन निकाल दिया, मैंने को डोमेन निकाल दिया, मैंने रेंज निकाल दिया, मैंने बता दिया कि इनटू फंक्शन है, मैंने बता दिया कि मैनीवन फंक्शन है, मैंने बता दिया कि ऑड फंक्शन है, और मैंने ये भी बता दिया कंटिन्यूस नहीं है, कौन सी चीज सिग्नम फंक्शन, तो इतनी डिटेल दे दी मैंने सिग्नम फंक्शन के बारे में, यही सब अपने को सीखना है अभी इस क्लास में, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखो देखते हैं इसको, कुछ लोगों को लगता होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन मींस एक्स ई के पावर एक्स की बात कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे अपने पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, मींस ई की पावर एक्स मतलब समथिंग कॉन्स्टेंट के पावर वेरिएबल। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं क्या होता है, ठीक है, से ग्राफ पढ़ चुके हैं क्या होता है, तो कोई यहाँ पे दो कंडीशन आती है, एक कंडीशन तब आती है जब ए क्या होता है, ए जब होता है ग्रेटर देन वन तब एक ग्राफ बनता है, ठीक है, मैं दोनों ग्राफ साथ साथ बना देता हूँ, एक ग्राफ होगा ए ग्रेटर देन वन के लिए, एक ग्राफ होगा ए ग्रेटर लेस देन वन के लिए, या फिर ग्रेटर देन जीरो लेस देन वन, ऐसा ठीक है, ए उससे नीचे नहीं जा सकते हम लोग, ठीक है, इन दोनों ग्राफ में अलग अलग बना देता हूँ, ये अपना x है, ये अपना क्या है y है, ये अपना x है, ये अपना y है, ठीक है, x y x y, ठीक है। जब a ग्रेटर देन वन की बात कर रहा हूँ, a ग्रेटर देन वन की बात कर रहा हूँ, तो फंक्शन क्या होगा, कुछ ऐसा बना होगा, कैसा, यह पॉइंट वन है, ठीक है, ग्रेटर देन वन मतलब वन से कुछ ऐसा बना होगा, वन को टच करता हो जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है वन टच हो रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं ए ग्रेटर देन वन के, तो फंक्शन कैसा हो रहा है, कुछ ऐसा बढ़ता हुआ, मतलब इट मीन्स इंक्रीजिंग टाइप का कुछ दिख रहा है अपने को, ये सब हम बोल रहा हूँ अभी भी बोल रहा हूँ, इलेवंथ में सब चीज़ देख चुके हैं, अभी बना कैसे होगा ये भी अगर देखना चाहो तो ऐसा कर लिया करो, क्या एक चार्ट टाइप का बना लो, टेबल टाइप का, क्या एक्स और वाई की वैल्यू डाल के, एक्स जीरो रखा तो वाई क्या मिला होगा, कल को एक्स जीरो रखा तो वाई भी क्या मिला होगा, जीरो मिला होगा, वन मिला होगा, वन मिला हुआ, यही से बात है भाई, x की वैल्यू जीरो रखा तो y क्या वन दिख रहा है ना अपने को, x जीरो का y a की पावर जीरो क्या वो वन मिला, ठीक, x क्या कुछ वन रख दें, वन रखें तो a कांस्टेंट जाएगा, वन मजा नहीं है, टू रख दें तो क्या मिल जाएगा, टू रख देंगे तो फिर कुछ मिल जाएगा, टू ऐसे देखो क्या फोर मिल जाएगा सॉरी, तो ऐसे ये क्या हो रहा है बढ़ता चला जा रहा है ग्राफ ऊपर की तरफ, ग्राफ क्या हो रहा है सीधे सीधे बढ़ता चला जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक, वही अपने को सीखना है भाई, जीरो रखा वन मिला और टू रखा, अच्छा टू रहा, टू रखा फोर मिला, फिर थ्री रखा होगा तो एट मिला होगा, ऐसे बढ़ता चला जा रहा है ग्राफ, ठीक, इसीलिए बोल रहा हूँ क्या होगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है, यही अपने सीखना, ये हमने बार बार बोल रहा है सब चीज़ें रिपीट कर चुके हैं, तो ग्राफ अभी पढ़ाना बताना मेन टॉपिक नहीं, अपना मेन टॉपिक है इसके डोमेन कोडोमेन, ये कैसा टाइप के फंक्शन है, ये क्या है, कंटिन्यूस है कि नहीं है, ये सब अपने को जानना है यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ अगर आप क्या 11th पढ़ चुके हैं, अगर मिस भी हो रहा है तभी मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ ग्राफ, अगर कोई भूल भी गया होगा तो, ठीक है। अब मैं बात करूंगा दूसरा वाला किसका, जब a क्या है लेस देन वन है, मतलब मींस मान लो a की वैल्यू क्या ले लें, a की वैल्यू ले लें हम, अच्छा ऐसा करते हैं, ये मान लेते हैं, अच्छा वैल्यू रख दी ना, ये था मान लो टू के पावर एक्स का ग्राफ था ये, ठीक है। अब मैं हमें ले रहा हूँ a की वैल्यू ले रहा हूँ वन बाई टू, यहाँ पे a की वैल्यू क्या ले ली थी मैंने, a इक्वल टू टू ले ली थी, इसके लिए वन बाई टू ले लिया, ठीक है। तो क्या होगा कल को देखो, जब a की वैल्यू कहाँ गया, a की पावर x था, जब a की वैल्यू वन बाई टू रखा तो वन बाई टू की पावर जब x हुआ होगा y इक्वल टू, देखो जब x जीरो रखा होगा
तो वाई क्या होगा, वो तो वन मिला ही मिला होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब क्या होगा, एक्स हमने और रखा होगा, टू रख दिया होगा, तो वाई कितना वन बाई फोर मिल गया होगा। एक्स जब ने थ्री रखा होगा तो वाई कितना वन बाई एट। तो धीरे धीरे अपने दिख रहा है क्या, ये कम होता जा रहा है, ये वन है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, कैसे, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, टेंडिंग टू जीरो बट इट इज नॉट अ जीरो। ठीक है, यहाँ पे वन है, तो ये कैसा ग्राफ बन गया, ये लेस देन वाले का ग्राफ बन गया ये, और ये ग्रेटर देन वाले का ग्राफ था, कि ए की वैल्यू जब ज्यादा होती है वन से तो इंक्रीजिंग बनता है फंक्शन ऐसे, और जब ए की वैल्यू क्या लेस देन वन होती है तो डिक्रीजिंग बनता है, किसका, एक पावर एक्स का। बट यहाँ पे कभी भी वाई की वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी, यहाँ भी वाई की वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, और भी क्या चीज, टेंडिंग टू जीरो का मतलब जीरो भी नहीं मिलेगा कभी, टेंडिंग टू जीरो पर एग्जैक्ट जीरो नहीं है, टेंडिंग टू जीरो है दोनों जगह देख लो। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये सब चीजें अपने को याद रखनी है। ठीक है, ये सब रिपीट कर रहा हूँ फिर से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सब इलेवंथ में हमने ये सब चीजें देख चुके हैं। ठीक है, अब मेन हमारा टास्क क्या है, अब यहाँ से डोमेन, कोडोमेन और रेंज वगैरह बताना। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पर डोमेन की बात करूंगा तो डोमेन अपने क्या दिख रहा है, कि मैं कुछ भी पुट कर रहा हूँ, इट मीन्स ये क्या अपना रियल नंबर है, रियल नंबर कुछ भी मतलब क्या होगा भाई, मैं तो कुछ भी यहाँ पुट कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ कि नहीं भी अब प्लस ही प्लस पुट करूंगा, माइनस नहीं पुट करूंगा, तो मैं यहाँ पे कुछ भी पुट कर सकता हूँ डोमेन में, भाई मैं माइनस पुट पुट कर सकता हूँ, कल को मैंने एक्स किया माइनस में रख दिया, माइनस वन रख दिया, माइनस टू रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो अपनी वैल्यू तो कुछ ना कुछ मिलेगी, गड़बड़ थोड़ी होगा। ठीक है, तो लिख देता हूँ एक बार, क्या था हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख रहे थे ना। ठीक है, जब डोमेन बोला मैंने क्या बोला, एक्स बिलोंग्स टू आर, फिर कोडोमेन क्या होगा, सी डी, देखो कोडोमेन क्या होगा, यहाँ पे कोडोमेन अगर मिले तो एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, अब ये क्यों, तो तुमने फंक्शन देखा होगा, फंक्शन में ये देखा होगा कि जो वैल्यू हो रही है, जो आंसर जा रहे हैं वो हमेशा प्लस में ही जा रहा है, वो सब चीज़ें निगेटिव की वहाँ बात ही नहीं हो रही है, जीरो टू जीरो भी नहीं जा रहा, जीरो भी नहीं हो रहा है, तो कोडोमेन क्या बात हो रही थी, ऐसा बात हो रहा था ना कोडोमेन का, सॉरी कुछ ऐसा जा रहा था, फंक्शन क्या ऐसा था, जीरो के ऊपर और इन्फिनिटी के बीच फंक्शन था, इसीलिए मैंने क्या बताया कोडोमेन क्या मिला अपने को, एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस। तो ये सब चीज़ें विजुअलाइज करनी पड़ी, सब चीज़ें मैंने लास्ट ईयर सब बात किया था इस बारे में। ठीक है, जब हमारा क्लास चलता था, अगला हम क्या बोलेंगे, डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, रेंज, अब तो रेंज क्या मिलेगी इसकी, रेंज मेन अपने पास जानना है इसको, तो रेंज क्या हो रही है कि जीरो तो आ नहीं रहा वाई का आंसर, वाई की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो तो आ नहीं रही, और वाई की वैल्यू इन्फिनिटी भी नहीं आ रही है, पर दोनों के बीच में आ रही है, जब मैंने क्या बोला टेंडिंग टू जीरो है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है वाई की वैल्यू, बट टेंडिंग टू जीरो है, इट मीन्स क्या है, वाई की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी, बट कहाँ तक जा रही है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, पर इन्फिनिटी तो काउंट नहीं होता, इसलिए अगर मैं कहना चाहूँगा रेंज के बारे में, अगर रेंज करके लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटीज की रेंज हो जाएगी। ठीक, जीरो टू इन्फिनिटीज की रेंज हो जाएगी। और अब मैं बात करता हूँ मैनी वन या वन वन फंक्शन की, अब ये देखते हैं क्या है, मैनी वन की वन वन, तो मुझे आराम से दिख रहा है कि ये क्या वन वन फंक्शन है भाई, अगर कल को ग्राफ बनाओ कुछ इसका ऐसा ही बनाओगे ना, तो जब मैंने टेस्ट किया हॉरिजॉन्टल वाला, तो देखो क्या हो रहा है, एक ही बार काट रहा है ना पॉइंट पे, तो क्या हुआ, ऑब्वियस बात है क्या हुआ, ये फंक्शन कैसा हो गया, वन वन हो गया। ठीक है, अब क्या ये इनटो है कि ऑनटो है, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ऑनटो, क्योंकि कोडोमेन इक्वल टू अरेंज हो जा रहा है, तो ये ऑनटो फंक्शन हो गया, ये इक्वल टू तो आर ई प्लस हुआ ना, तो कोडोमेन इक्वल टू क्या हुआ, अरेंज हो गया, इसलिए फंक्शन कैसा हो गया, ये फंक्शन ऑनटो हो गया। ठीक है, अब इवन और ऑड देखते हैं, ये फंक्शन इवन है कि ऑड है, अब ये कैसे समझ आएगा, तो देखो इवन ऑड के लिए क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक देखते हैं पहले, इवन के लिए क्या देखते हैं कि वाई के सिमेट्रिक है क्या, वाई के सिमेट्रिक तो नहीं है ये, फिर ऑड के लिए देखते हैं क्या ये ओरिजिन के सिमेट्रिक है, तो यहाँ तो ओरिजिन के नीचे तो आ ही नहीं रहा है कुछ, सिमेट्रिक को मतलब ही नहीं है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, नाइदर ऑड और नन इवन, तो एक दो तीन चार पांच छह चीजें ने निकाल दिया। ठीक है, कंटिन्यूअस है, हाँ कंटिन्यूअस दिख रहा है अपने को, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस तो भाई है। ठीक है, कंटिन्यूअस है। ठीक, और कुछ बचा, सब चीज़ तो निकाल लिया हमने, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ बच छोटा हुआ बचा हुआ है। ठीक, अब एक चीज़ और देख लो, अगर वन वन ऑनटो दोनों है, ये भी देख लो, वन वन ऑनटो दोनों है, इट मीन्स क्या होगा, ये बाइजेक्टिव हुआ होगा,
बाइजेक्टिव भी हुआ होगा ये, और बाइजेक्टिव हुआ होगा इट मींस कहीं कहीं इसका एफ इनवर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस सब चीज़ अपने पता होनी चाहिए कि सब काम आएगा कहीं ना कहीं, कि भाई अगर ये चीज़ है इट मीन्स ये होगा, और ये है इट मीन्स कल को अगर हम कोशिश करेंगे इसका इनवर्स निकालने का इस पर्टिकुलर फंक्शन का तो निकाल सकते हैं। इनवर्स क्या होगा ये हम आगे पढ़ेंगे, इनवर्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो पता होना चाहिए पहले से कि ऐसा भी कुछ होता है यहाँ पे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल डन। हम बात करते हैं किसके बारे में, लॉग फंक्शन के बारे में। ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं, लॉग फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अपना लॉग फंक्शन होता है वो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो लॉग फंक्शन में भी दो कंडीशन आती है, एक कंडीशन आती है ए ग्रेटर देन वन की, और एक आती है ए लेस देन वन की। एक वन होगा, एक होता है ए ग्रेटर देन वन, और एक होता है वापस से ए लेस देन वन और ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यहाँ भी दो कंडीशन आती है, दोनों ग्राफ भी अपने को पता है, याद है। ठीक है, तो बनाना चाहें अगर हम ए लेस देन सॉरी ए ग्रेटर देन वन का, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कैसा, कुछ ऐसा। ठीक है, नीचे से ऊपर, सॉरी मिस हो गया, ये तो इधर नहीं आएगा, एक मिनट, कुछ ऐसा। ठीक है, ये क्या हो गया, ए ग्रेटर देन वन के लिए हो गया, और ए लेस देन वन के लिए फिर अपने सब समझ में आएगा क्या हो जाएगा, कुछ इस साइड से। ठीक है, ठीक है ना, कुछ इधर साइड से, मतलब ऐसा कुछ, कुछ ऐसा। ठीक है, ये ए ग्रेटर देन वन के लिए और ए लेस देन वन के लिए बन गया। अब जो ग्रेटर देन वन बना होगा, अब उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल ले ले, मान लो हमने टू ले लिया, ए के जगह यहाँ पे टू लेके बात कर रहे हैं हम लोग, ए क्या हो गया यहाँ पे, ए इक्वल टू टू के लिए बात कर ले, यहाँ पे ए इक्वल टू, बाद में हम वन बाई टू के लिए बात कर लेंगे। ठीक है, अब एक्स और वाई की वैल्यू देख के हम इजिली देख लेंगे ग्राफ कैसे बन रहा, मैं ग्राफ में बार बार नहीं जाऊँगा। ठीक है, और सेम यहाँ क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू ए इक्वल टू वन बाई टू, और एक्स की वैल्यू क्या रख लेंगे, रख के वाई की वैल्यू निकाल चेक कर लेंगे। अब इसके लिए भी मैं ग्राफ नहीं बता रहा हूँ बार बार। ठीक है, तो इसको अपने आप यहाँ पे हम कर लेंगे। हम मेन बात करते हैं डोमेन रेंज इन सब के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक बार बार बोल रहा हूँ, लॉग फंक्शन फिर से देख लो, क्योंकि बहुत ईजी दिख रहा है मुझे, एक्स की वैल्यू डालोगे वाई की वैल्यू कुछ निकलेगी। ठीक है, उस पर ये हमको ज़्यादा गौर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अपने पता है वो चीज़, तो हम आगे डायरेक्टली बात करते हैं इसके बारे में, इसका डोमेन कोडोमेन और रेंज वगैरह के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मैंने बस बता दिया तुम लोगों को कि ताकि मिस ना हुआ होगा कि ग्राफ कैसे बनता है, कि दो कंडीशन आती है वहाँ से ग्राफ निकल के आता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन के बारे में। अब डोमेन क्या होता होगा इसका, इसका लॉग का, अगर मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं कह दूँ कि और रियल नंबर प्लस जो पॉजिटिव रियल नंबर, तो बनेगा, हाँ बने, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी लॉग होता है उसकी नेगेटिव की जो वैल्यू होती है डिफाइन ही नहीं होती है। इट मीन्स माइनस तो रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि माइनस में तो होएगा नहीं भाई। कल को अगर मैं बात करूँ कि लॉग ए बेस माइनस टू, पॉसिबल ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है ये चीज़। सही है, डिफाइन ही नहीं है तो हम कैलकुलेट कैसे कर लेंगे। इसलिए क्या होगा, डोमेन क्या होगा, हमेशा इसका पॉजिटिव रियल नंबर होगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, आप नेगेटिव बिल्कुल नहीं आ सकता। बाद में इसके हम अगर कोडोमेन की बात करें, तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, देखो तो अभी अगर मैं अभी थोड़ा सा ग्राफ में गौर किया होगा, तो ग्राफ जो बना था इसका कुछ ऐसा था। देखो ना, वाई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं दोनों चीज़ काउंट हो रहा होगा उसमें। तो क्या कर सकता, कोडोमेन क्या होगा, और रियल नंबर हो सकता है। और रेंज क्या हुआ होगा, रेंज क्या होगा, आंसर क्या, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ सकता है इसका आंसर, क्योंकि ग्राफ ही दिख रहा आपने, कुछ ग्राफ कैसे दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था, वैल्यू प्लस में वैल्यू आने जा सकती है। ठीक है, वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू बोल रहा हूँ, एक्स निगेटिव नहीं आ रहा था, यार देखो एक्स निगेटिव नहीं हो रहा था, इसलिए डोमेन क्या रखा है, सिर्फ सिर्फ आर प्लस लिखा हुआ है, पर वाई निगेटिव हो रहा था, प्लस हो रहा था, इसलिए रेंज क्या गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस का इन्फिनिटी आया। ठीक है, ये तीन चीज़ अपने को निकल गई। अब हम बात करते हैं अगला क्या, कि ऑनटो है कि क्या है, मैनी वन है कि ऑन वन वन है। देखो फंक्शन मुझे दिख रहा है क्या है, ये भी वन वन है, कैसा वन वन ही है ना, ये देखो सिंगल ही बार टच कर रहा है, देखो थोड़ा सा कैसा हो गया फंक्शन, वन वन हो गया। ठीक, अब कोडोमेन इक्वल टू रेंज है क्या, ये भी दिख रहा है अपने को, क्या कोडोमेन इक्वल टू रेंज यहाँ पे है, तो फंक्शन कैसा हो गया, ये वन वन हो गया, और क्या हो गया, ऑनटो भी हो गया, क्या हो गया, ऑनटो, ये दोनों हो गया, तो फंक्शन और भी क्या हो गया, बाइजेक्टिव भी हो गया।
तो ये एक दो तीन चार पाँच छः चीज़ें ऐसे निकल आए। अब फंक्शन कंटिन्यूस है, हाँ कंटिन्यूस तो है ही है, दिख रहा है अपने को, साफ साफ दिख रहा है, क्या है कॉन्टिन्यूस ये फंक्शन है, ठीक है। तो इतना सब चीज़ अपने निकल, अब इवन फंक्शन निकले थे, इवन ऑड तो भूल ही गए, इवन फंक्शन है क्या, इवन तो नहीं दिख रहा है मुझे, ऑड दिख रहा है, ऑड भी नहीं दिख रहा है, इट मीन्स क्या हुआ ये, नाइदर इवन नाइदर ऑड और नॉन नॉर इवन, ये भी नहीं है, ठीक है। और कुछ बताना था इसमें, सब कुछ तो निकल गया, वन वन निकल गया, ऑन टू निकल गया, बाय टू निकल गया, तो जब बाय टू हो गया इट मीन्स कल को इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, यस इन्वर्स इज पॉसिबल, एफ क्या होता है एफ इन्वर्स एक्स पॉसिबल, ठीक है। इतना सब कुछ अपने को लॉग में मिल गया यहाँ पे आके, ये हमारा लॉग फंक्शन का सिस्टम क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, इसको हटा देता हूँ मैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पहले तो इसको निकालना आना चाहिए, हाँ वैसे सबको आता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो सबको आता है निकालना, ठीक है। अगर किसी को कोई भूल भी रहा होगा, किसी को याद नहीं आ रहा होगा, तो मैं एक सिंपल से उसमें बता देता हूँ इसको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं इसको। तो एक एग्जाम्पल ले लो छोटा सा, मान लो अपने के पास 2.3 दे रखा है, 2.3 कह रहा है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने को फाइंड करना है, तो सिंपल से क्या करो, बड़ा ध्यान सुनना, सिंपल से क्या करो, इसको हम क्या करेंगे नंबर लाइन में कहीं ना कहीं प्लॉट कर देंगे, कर दिया ये अपना 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ -1 हो गया, -2 हो गया और -3 हो गया, तो 2.3 कहाँ आया, यहाँ पे कहीं आया होगा, यहाँ पे ये आ गया 2.3। अगर वो 2.3 जहाँ पे था वहाँ पे से नॉर्मली खड़े हो जाओ, ठीक है, और फिर क्या करो वहाँ से लेफ्ट चलो, कहाँ चलो लेफ्ट चलो, तो लेफ्ट चला होगा तो पहला इंटीजर आया होगा, पहला कौन सा 2 आया होगा, तो वही क्या होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, जैसे जो दे रखा होगा उसको नंबर लाइन में प्लॉट करो, फिर उसे लेफ्ट की तरफ चलो, लेफ्ट में जो सबसे पहला इसका इंटीजर होगा, जो सबसे पहला इंटीजर होगा वही क्या होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, ठीक है। अगर निगेटिव ले देख रहे हैं, अगर निगेटिव में क्या लिखा है माइनस का 2 लिख लेते हैं, -4 लिख लेते हैं, -4 ज़्यादा हो जाएगा बताने में, -3.2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको होगा, इसको भी क्या किया नंबर लाइन प्लॉट किया, 0, 1, 2 छोड़ो, इधर इधर प्लॉट करते हैं, -1 पास कर लिखते हैं, -1, -2, -3 और -4, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। और -3/2 कहाँ हुआ, -3/2 कहीं यहाँ पे हुआ, कहीं यहाँ पे हुआ, अब वो भी क्या करोगे इधर लेफ्ट में चलोगे, लेफ्ट में चलाओगे, पहले इंटीजर क्या होगा -4, इट मीन्स का जो इंटीजर होगा क्या होगा -4 आया होगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा -4 आया होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने का सबसे इजी तरीका है, ठीक है, क्या है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने का सबसे इजी तरीका है, और ये सबको आना चाहिए, समझ आना चाहिए, ठीक ठीक है। अब एक अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो एक शॉर्टकट, और शॉर्टकट मीन्स कि एक तरीका जो मैंने अपने आप बनाया है, कि और अगर सिंपल वे में देखना अपने को कि चलो ये कन्फ्यूजिंग लग रहा है कि और सिंपल कर दें इसको, तब क्या करेंगे, तो और सिंपल मीन्स कल को अगर लिखा हो यहाँ पे कि 2.3, 3.4, 5.8 ऐसे कुछ रखा है, और निगेटिव के लिए देख लेते हैं क्या है, मान लो ये पॉजिटिव के लिए बात कर रहा है मैं, और निगेटिव के लिए देख लेता हूँ, अगर निगेटिव के लिए -3.2, -4.8, -2.3 ऐसा दे रखा है, तो कैसे निकालते हैं देखो, तो ये करते हैं जब इसकी बात करेंगे पॉजिटिव वाले के लिए, तो जो भी यहाँ पे नंबर दे रखा होगा डेसिमल से पहले वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, देन इसी तरीका। और इसमें क्या होगा, जो भी दे रखा होगा उससे एक ज्यादा, मतलब -4 ये मतलब माइनस का 5, ये मतलब होगा -3, ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा, मतलब जो डेसिमल के इधर है उससे एक ज़्यादा लिख दोगे तो वो क्या होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। वही मैंने किया। और इसमें क्या हो रहा है, एग्जैक्ट डेसिमल की जो इधर है वही उठा के लिख दो, वही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। ये सबसे ईजी तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है निकालने का ग्रेटेस्ट इंटीजर को, ठीक है। आगे देखते हैं और हम क्या क्या सीखना है कि इसके ग्राफ, ग्राफ तो पता ही है, लास्ट टाइम में पढ़ा था ग्राफ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ठीक है, तो उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। हम इसके डोमेन और कोडोमेन सब के बारे में बात कर लेते हैं,
ठीक है, डोमेन और कोडोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन इसका क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या हुआ होगा भाई, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है डोमेन में, ठीक है। ये सब हटा देता हूँ, ये सब सीख लेना काम आएगा। जो उसको डोमेन आया होगा क्या होगा, रियल नंबर आएगा कोई भी, डोमेन को डी से लिखते हैं सीधा। अब कोडोमेन रेंज, ठीक है। अब कोडोमेन क्या होगा, देखो डोमेन तो ठीक है समझ आ रहा है, कोडोमेन क्या होगा, इंटीजर आएगा जाहिर सी बात है, इंटीजर के बारे में बात कर रहे हैं तो इंटीजर से में ही काउंट होगा कहीं ना कहीं। रेंज क्या होगा, रेंज भी इंटीजर से आए होंगे, प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं, इसलिए सिर्फ जेड लिखा हुआ है, इंटीजर जेड से डिनोट करते हैं। अब मैनी वन फंक्शन है कि ये वन वन फंक्शन है, तो कहीं ना कहीं अपने को दिख रहा है कि मैनी वन फंक्शन है। कैसे दिख रहा है कि कल को जब इंटीजर का ग्राफ बना होगा कुछ ऐसा बनता था, ठीक है। तो ये देखो जब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, कई पॉइंट मिलते चलेंगे अपने को वहाँ पे, तो इसलिए वो दिख रहा है क्या होगा, ये मैनी वन फंक्शन हुआ होगा, ठीक है। क्या होगा, मैनी वन फंक्शन हुआ होगा दिख रहा है अपने को। और क्या हो जाएगा, मैनी वन हो गया और क्या बचा, हाँ अब क्या इवन ऑड चेक करते हैं यहाँ पे, क्या इवन है कि ऑड है, इवन है कि ऑड है, तो मुझे तो सिमेट्रिक तो दिखेगा नहीं भाई, ये तो ग्राफ जो था इसका सिमेट्रिक तो दिख ही नहीं रहा मुझे, क्यों, कुछ ऐसा था फिर कुछ ऐसा था, यहाँ पे कुछ ऐसा था, कुछ उल्टा सीधा ग्राफ था, तो ना तो ये सिमेट्रिक वाई के है ना सिमेट्रिक ओरिजिन के है, तो ये क्या हो गया, ना इधर क्या होगा ऑड होगा नॉर इवन होगा, ठीक है। इतने चार पाँच चीज निकल गया, और क्या बचा, हमने मैंने उनका दिया, क्या इंटू और ऑनटू चेक कर सकते हैं इसमें, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो मुझे क्या दिख रहा है, क्या इंटू फंक्शन है, इंटू फंक्शन क्या होता है, जब से बराबर होता है क्या, नहीं, जब कोडोमेन और रेंज इक्वल होता तो क्या होता है, वो ऑनटू फंक्शन हो जाता है। जब कोडोमेन और रेंज क्या होता है, इक्वल हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, ऑनटू फंक्शन होते हैं, ठीक है। अब जब क्या ये बाइजेक्टिव है, क्या बाइजेक्टिव है, वन वन होता और ऑन टू होता तब बाइजेक्टिव होता, ऐसा है तो ये बाइजेक्टिव तो बिल्कुल नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका इनवर्स तो बिल्कुल नहीं निकाल सकते, ठीक। इतना चीज हो गया, कंटिन्यूस है बिल्कुल नहीं है, कंटिन्यूस तो है ही नहीं है, ठीक है, क्या है, कंटिन्यूस भी नहीं है। देखो तो कंटिन्यूस ये कुछ चीज़ों पर है, हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे कंटिन्यूस में, क्योंकि अभी अगर मैं कह दूं कि हाँ ये इस पॉइंट पे है उस पॉइंट पे नहीं है, अगर ऐसी बात करने लगूंगा तो वो सर के ऊपर जाएगी, तो हाल फिलहाल ये समझो कि ये कंटिन्यूस अभी नहीं है। बाद में अगर बात होगी कि कहाँ पर है कंटिन्यूस कहाँ पर नहीं है वो अलग बात है, पर अगर नॉर्मली देखें जनरली बात करें तो कंटिन्यूस यहाँ पे अभी तो नहीं है, ठीक। कंटिन्यूस क्या होता है, पाइप में यहाँ बनाना पड़ रहा है, उठ के यहाँ बनाना पड़ रहा है, उठ के यहाँ बनाना पड़ रहा है, जब कल को अगर इतने एरिए की बात होगी तब कह दूँ हाँ कंटिन्यूस है, तो मैंने बोला कि वो अलग मैटर है, दैट्स अनदर मैटर, ठीक है। तो उसके बारे में अभी बात नहीं होगी, अभी हाल फिलहाल के लिए कंटिन्यूस नहीं है, और कंटिन्यूस नहीं है तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। डिफरेंशिएबल क्या होता है आपको सबको पता होगा, और हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल क्या होता है। तो इतना चीज़ हमने पढ़ लिया आज, ठीक है। अब एक छोटा सा और आता है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक बचेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करते हैं फ्रैक्शनल ट्रिग्नोमेट्री को नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, तो जितना आज पढ़ा हुआ है उतने को ही आप अच्छे से समझ लो, दिमाग में बैठा लो तो बेस्ट हो जाएगा, ओके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, डन।